Let's do question number 23rd of exercise 3A, that is linear equation, two variable. Question number 23rd is, show graphically that each of the following given system of equation has infinitely many solutions. हमें ये शो करना है ग्राफिकली कि ये दोनों इक्वेशंस जो हैं इनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं. तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कैसे प्रूव करेंगे, चलिए देखते हैं. अब इक्वेशन है हमारी 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 5. यहाँ x की वैल्यूज, यहाँ y की वैल्यूज. अब आप देखेंगे कि x अगर निकालना है, अगर y ज़ीरो रखते हैं तो x निकालने के लिए 5/3 आएगा, पॉइंट्स में आएगा. तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू हम यहाँ निकालेंगे और x की वैल्यू रखेंगे. तो हम यहाँ लिख देते हैं, पुटिंग x इक्वल्स टू 0. ये हम इसलिए करेंगे जिससे कि हम फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ को अवॉइड कर सकें, पॉइंट की वैल्यूज़ को. तो हमने लिखा 3×0 माइनस वाई इक्वल्स टू 5. तो माइनस वाई इक्वल्स टू 5 हो गया. तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 5. तो अगर x 0 है तो y है हमारा माइनस 5. अगर x 1 लिख के देखते हैं, पुटिंग x इक्वल्स टू 1. अगर x 1 है तो ये आया 3×1 माइनस वाई इक्वल्स टू 5. तो 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 5 आ गया. तो माइनस वाई आ गया हमारा 5 माइनस 3, राइट. तो ये आया हमारा माइनस वाई इक्वल्स टू 2 और वाई इक्वल्स टू माइनस 2. तो अगर x 1 है तो y है माइनस 2. आप देखिए, पुटिंग x इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू 2 रख के देखते हैं. तो ये आया 3×2 माइनस वाई इक्वल्स टू 5. तो ये आया 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 5 माइनस वाई इक्वल्स टू 5 माइनस 6. तो माइनस वाई आ गया हमारा माइनस 1 के इक्वल. माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y 1 आ गया. तो x 2 है तो y 1 है. तो अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, ये दे रखी है 6x माइनस 2y इक्वल्स टू 10. तो अगर आप देखेंगे कि y इजली निकल सकता है क्योंकि 10 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, x की वैल्यूज़ रखेंगे. तो ये x और y की वैल्यूज़ यहाँ आ जाएंगी. तो पुटिंग x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 रखी, तो ये कितना है, 6×0 माइनस 2y इक्वल्स टू 10. तो माइनस 2y इक्वल्स टू 10 आ गया. तो y कितना आ गया, माइनस का 10/2, दैट इज़ माइनस 5. अब इसी तरीके से हमने यहाँ पे लिख देंगे, x 0 है तो y है माइनस 5. नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू 1 रखी, तो ये आया 6×1 माइनस 2y इक्वल्स टू 10. तो 6 माइनस 2y इक्वल्स टू 10. तो माइनस 2y कितना आया, 10 माइनस 6. तो ये आ गया माइनस 2y इक्वल्स टू 4. तो y आ गया हमारा 4/2, लेकिन माइनस का. तो y आ गया हमारा माइनस का 2. अगर x 1 है तो y है माइनस 2. इसी तरीके से हमने x की वैल्यू 2 रखी, पुटिंग x इक्वल्स टू 2, तो ये कितना आया, 6×2 माइनस 2y इक्वल्स टू 10. तो ये आया 12 माइनस 2y इक्वल्स टू 10. तो माइनस 2y कितना आया, 10 माइनस 12. तो माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 2. तो y कितना आ गया हमारा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे. तो y आ गया 2/2, दैट इज कैंसिल हो गया. तो y आ गया हमारा 1. तो x अगर 2 है तो y है 1. चलिए ग्राफ बनाते हैं. ये देखिए, ये है इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन सेकेंड, राइट. आप देखेंगे, आप इस इक्वेशन में दोनों के पॉइंट्स सेम आ रहे हैं, राइट. तो एक ही इक्वेशन के पॉइंट्स प्लॉट करने पड़ेंगे, तो ऑब्वियसली दूसरे इक्वेशन के भी प्लॉट हो जाएंगे. तो चलिए करते हैं, x 0 है तो y माइनस 5 है, x 0 है तो y माइनस 5 है. ये आ गया पॉइंट. तो हमने मार्क
कर दिया इसको, x 0 है तो y माइनस 5 है. नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है x 1 है तो y माइनस 2 है, x 1 है तो y माइनस 2 यहाँ पे आ गया, तो ये हमने मार्क कर दिया x 1 है तो y माइनस 2 है. लास्ट पॉइंट कह रहा है x 2 है तो y 1 है, x 2 है तो y 1 है, ये वाला पॉइंट आ गया, तो हमने इसको भी मार्क कर दिया कि x 2 है तो y 1 है. अब लाइन ड्रॉ कर देंगे तीनों पॉइंट से मैच करते हुए, ये लाइन आ गई. अब देख, आपने देखा कि ये दोनों इक्वेशंस के पॉइंट सेम है, तो यही पॉइंट्स आएंगे दोबारा भी, तो मैं दोबारा नहीं प्लॉट कर रही हूँ अलग अलग, तो इसका मतलब कि ये एक ही लाइन बनेगी, तो एक के ऊपर एक लाइन बनेगी, एक के ऊपर एक लाइन कोइंसाइड लाइन कब होती थी, जब दो इक्वेशंस के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते थे. इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स हैं, आप कोई सा भी पॉइंट आप अगर इन दोनों इक्वेशन में रखेंगे तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी हमेशा, तो दैट्स वाई दिस इज द आंसर.